नमस्कार दोस्तों, दिव्य नुस्खे में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज वैद्यनाथ द्वारा निर्मित कैसोर गूगल के बारे में रिव्यू, जिसमें हम जानेंगे कि ये औषधि किन किन रोगों में प्रयोग होती है और इसका कैसा प्रभाव है। मैंने इसे यूज़ किया है तो मैं आपके सामने इसे अपने एक्सपीरियंस को रखना चाहता हूँ, जिससे कि आप भी लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पैक में कितनी गोलियाँ आती हैं, प्राइस क्या है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ये वैद्यनाथ की कैसोर गूगल, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम जानते हैं इस औषधि में, कैसोर गूगल में किन किन इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें कौन कौन सी औषधियों से मिलकर इस दवाई को बनाया गया है। तो जानते हैं इसके घटक के बारे में क्या क्या है इसमें। पहला है गूगल। दोस्तों, गूगल एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ये सभी ज़्यादातर जो तुम्हारे दर्द संबंधी जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं उनमें सभी में प्रयोग किया जाता है। इसका काम है वात पित्त को शरीर में संतुलित करना, और इसकी तासीर गर्म होती है। गूगल शरीर की सभी प्रणालियों पर काम करने की क्षमता रखता है। यह एक टॉनिक है, एंटीसेप्टिक, दर्द से राहत, ऐंठन में से राहत, ऐंठन से राहत, कफ कम करने वाला होता है। यह विशेष रूप से दर्द कम करने, सूजन, शरीर से सूजन को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका जो मुख्य प्रभाव है, यह शरीर की सभी ग्रंथियों पर काम करता है और जितने भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं उन सबको बाहर करके शुद्ध कर देता है रक्त को। दोस्तों, इसका अगला इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला के बारे में आप जानते होंगे कि एक बहुत ही अच्छा पाचक है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, विटामिन से भरपूर होता है, विटामिन सी से। यह पित्त को शांत करता है, और बहेड़ा जो इसमें पड़ा हुआ है यह कफ पर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी दवाई है कुल मिलाकर। अगला है इसमें गिलोय। दोस्तों, गिलोय को अमृता कहा गया है आयुर्वेद में, क्योंकि इसमें इतने सारे गुण हैं कि अमृत के समान है। अगर कोई आदमी गिलोय को यूज़ करता है तो समझो उसका शरीर बिल्कुल रोग रहित होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें गिलोय का भी प्रयोग किया गया है, जो हमारे लीवर को, हमारे जितने भी तीन दोष होते हैं, वात पित्त कफ, उनको, और हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने में मददगार होता है। हाँ, अगला है इसमें त्रिकुट। त्रिकुट का मतलब सौंठ, काली मिर्च और पिपली। दोस्तों, ये त्रिकुट जो है, अर्थात सौंठ, काली मिर्च और पिपली जो है, ये हमारे शरीर से आम रोगों को, आम वात रोगों को जो है दूर करते हैं। दोस्तों, इसमें अगला है एक विडंग। विडंग भी इसका एक कॉन्टेंट है, जो कृमिनाशक, अर्थात किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को मारने की क्षमता उसके अंदर होती है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट थे जो मैंने आपको बताया विस्तार से। अब दोस्तों, जानते हैं इसके लाभ और इसके फायदे क्या क्या हैं, किन किन बीमारियों में इसे हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसके फायदों में सबसे पहले, यह शरीर से वात पित्त का संतुलन बनाती है, यानी कि शरीर में अगर वात या कफ या पित्त बढ़ गया है उसको संतुलित करती है, और जोड़ों में होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनको शांत करती है। दूसरा है, यह शरीर से बढ़े हुए यूरिक एसिड को, जो दर्द का एक मेन कारण होता है, उसको दूर करती है। दोस्तों, इसके सेवन से जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द से राहत मिलती है। यह सूजन, दर्द और शरीर में अधिक वात को दूर करने वाली औषधि है, यानी कि किसी भी प्रकार का दर्द है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला है, यह अर्थराइटिस, गाउट, रूमेटिज्म, जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों के ऐंठन, स्प्रेन यानी कि मोच, तथा रक्त विकारों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। दोस्तों, रक्त विकारों का संबंध त्वचा की बीमारियों से भी है। कितने
जितने भी फंगल बीमारियां हैं, यानी कि एक्जिमा या तुम्हारे दाद, खाज, खुजली जैसी भी बीमारियां हैं, इन सब में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह दवाई पाचन को ठीक करने में और गैस तथा कब्ज को भी दूर करने में सक्षम है। दोस्तों, यह ब्लड प्यूरीफायर है, रक्त को साफ करती है तथा त्वचा के जितने भी विकार हैं जैसे मुहासे, घाव, एक्जिमा आदि में भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, राहत देती है। दोस्तों, यह फंगल इन्फेक्शन से भी राहत देती है और औरतों में यह मासिक धर्म में होने वाले ऐंठन वाले दर्द को शांत करती है। दोस्तों, यह उष्ण वीर्य है, अर्थात इसकी प्रकृति गर्म है, इसलिए यह दवाई यह खांसी जुकाम में भी विशेष लाभप्रद होती है। दोस्तों, अब हम इसके फायदे जान चुके हैं तो मैं एक बार उन रोगों के नाम ले देता हूँ जिनमें ये खास प्रयोग की जाती है। मंदाग्नि, कब्ज, वात रस, मधुमेह में घाव यानी कि शुगर से पैदा हुए जो घाव होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, उनमें ये प्रयोग करने से ठीक हो जाते हैं। छाले, कफ, चमड़ी के रोग अर्थात स्किन डिजीज, गुल्म यानी कि एब्डोमिनल लंफ, सूजन, पीलिया, जितने भी प्रमेह रोग हैं, जितने भी प्रमेह हैं, इन सभी में इन सब इस औषधि को आंख बंद करके आप प्रयोग कर लीजिए। जो इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं उनके बारे में, हालांकि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है लेकिन फिर भी इसको एक तो अधिक मात्रा में ज़्यादा समय तक नहीं लेना चाहिए और 5 साल से कम के बच्चे को चिकित्सक के अंडर में ही इसको देना चाहिए क्योंकि ये उसको हानि पहुंचा सकती है। इसकी सेवन विधि क्या है? दोस्तों, इसकी 2 से 4 गोली दिन में 2 बार सुबह और शाम ली जा सकती हैं। इसे रोग के अनुसार महामंजिष इत्यादि काढ़े या दूध या गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसका सेवन 2 महीने से ज़्यादा एक बार में नहीं करना चाहिए, फिर गैप देने के बाद फिर दोबारा शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस पैक में की कीमत क्या है, प्राइस क्या है और इसके में जो है कितनी गोलियां हैं। दोस्तों, मैं गोलियां आपको दिखा दूं, ये इसकी गोलियां हैं, छोटी छोटी गोलियां हैं, इन्हें हम 2 से 3 तक ले सकते हैं एक टाइम में और इसमें जो है इस पैक में 80 गोलियां आती हैं, 80 गोलियां आती हैं और इसकी जो कीमत है वो 95 रुपीज़ है, जिसे 10% कम करके यानी कि लगभग 86-87 रुपये में आपको ये मेडिकल स्टोर वाला दे देगा। आप इस पर 10% ज़रूर मांगें वरना वो 95 के ही देगा। तो दोस्तों, ये कैसूर गूगल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, कैसी लगी? मैंने इसे काफ़ी इस्तेमाल किया है, खुद पर भी औरों पर भी अच्छा प्रभाव लगा, अच्छा इसका परिणाम आया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को शेयर कर दूं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, इसकी जानकारी से प्रयोग करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका कैसा रिजल्ट आया। तो अगर आपको हमारी जानकारियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं भी आपके साथ आपकी सेवा में लेकर ऐसे ही जानकारियाँ लेकर आता रहूँ। और हाँ, मेरा वादा है कि मैं आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दूँगा, पहले मैं उसको खुद प्रयोग करता हूँ, वही जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।